हेलो एवरीवन तो इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं पार्ट फोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जिसे हम शॉर्ट में डी पी एस पी के नाम से बोलेंगे आज बात करेंगे आर्टिकल थर्टी सेवन एंड थर्टी एट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसे प्रिंसिपल है जिसके स्टेट गवर्नमेंट के लिए यह मैंडेटरी है कि जब भी वह कोई नया लॉ बनाए लॉ पॉलिसी मेकिंग करे तो उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसी मेकिंग या लॉ मेकिंग करे तो ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए गवर्नेंस ऑफ स्टेट स्टेट की गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट की गवर्नेंस के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक फंडामेंटल का काम करते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल थर्टी की 37 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का तीन बात करता है सबसे वो पहले कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है इनको हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते जो सेकंड वो बात करता है आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि जो प्रिंसिपल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये फंडामेंटल है किसके लिए इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री कंट्री की गवर्नेंस के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल है और जो थर्ड बात करता है आर्टिकल 37 वो कहता है कि इट इज द ड्यूटी इट शैल बी द ड्यूटी ड्यूटी किसकी स्टेट की टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल वाइल मेकिंग लॉ कोई लॉ बनाते हुए उन प्रिंसिपल को अप्लाई करना कौन से प्रिंसिपल को फंडामेंटल प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये फंडामेंटल है इनको अप्लाई करना माइल मेकिंग लॉ ये ड्यूटी है स्टेट की तो आर्टिकल 37 बड़ी क्लियरली ये बात करता है कि इसको हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते ये कंट्री के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है और ये ड्यूटी है स्टेट की इनको अप्लाई करना लॉ बनाते हुए उसके बाद जो आर्टिकल 38 बात करता है ऑफ़ सोशल इसको की स्टोन भी कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 38 को की स्टोन क्यों कहा जाता है क्योंकि आर्टिकल 38 वो बात करता है जो इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो ऑब्जेक्ट सेट किए गए हैं जो ऑब्जेक्टिव है, हैं जो प्रेम्बल में दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रनिंग के लिए वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं इसीलिए आर्टिकल थर्टी को की स्टोन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहा जाता है इसकी लैंग्वेज देखते हैं कि स्टेट आर्टिकल थर्टी कहता है थर्टी एट कहता है स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोटिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल स्टेट सिक्योर करे सोशल ऑर्डर को किसके लिए प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल लोगों की भलाई के लिए सोशल ऑर्डर प्रमोट करे क्लॉज वन कहती है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव स्ट्राइव मीन हिंदी में प्रयास टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल यहाँ पे स्ट्राइव वर्ड क्यों यूज किया गया है स्ट्राइव वर्ड इसीलिए यूज किया गया है सो so दट की गवर्नमेंट हर तरह से एफर्ट करे गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई एक्सक्यूज ना हो कि किसी भी हालात में गवर्नमेंट ये कहे की फंडिंग की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या किसी भी और रीजन की वजह से वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एप्लीकेबल नहीं कर सकती तो स्टेट शेल स्ट्राइव शेल स्ट्राइव वर्ड है हर तरह से प्रयास करेगी इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए सो द स्टेट स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग जितना वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिक्योर कर सकते हैं उतना वो करेंगे किसको सामाजिक ऑर्डर को सामाजिक व्यवस्था को सोशल ऑर्डर को सोशल ऑर्डर को हम हिंदी में सामाजिक व्यवस्था कहते हैं जिसमें क्या होगा इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होगा और शे, ए, शेल इनफॉर्म आल द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ और जो नेशनल लाइफ के इंस्टीट्यूट होंगे उसमें शेल इनफॉर्म यहाँ पे इनफॉर्म का मीनिंग हमने ऑर्डरनरी सेंस में नहीं लेना ऑर्डररी सेंस में इनफॉर्म मीन्स किसी को बताना इंफॉर्मेशन देना बट इस कंटेक्सट में आर्टिकल थर्टी एट में इसका मीनिंग है कि जब भी कोई लॉ बनाए मेकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन की मेकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन जस्टिस शुड बी द फाउंडेशन जब भी कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाए उस इंस्टीट्यूशन की जो फाउंडेशन हो वो जस्टिस के प्रिंसिपल हो तो यहाँ पे इन फॉर्म का मतलब ये है इसका ऑर्डररी मीनिंग हमने बिल्कुल नहीं लेना तो इट मीन्स एनिमेट द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल लाइफ एनिमेट इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल लाइफ इसमें मेकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन जब भी कोई इंस्टीट्यूशन बने तो जस्टिस उसकी फाउंडेशन हो तो ये आर्टिकल 38 का कहना है सोशल ऑर्डर क्या होता है सोशल ऑर्डर एक पर्टिकुलर सिस्टम है सोशल स्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशन है सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन का एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसको हम सोशल ऑर्डर कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट ए वेलफेयर स्टेट परपज कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है प्रियम्बल इसकी क्लियरली बात करता है तो आर्टिकल थर्टी एट इसका की स्टोन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि इट इज अ डायरेक्टिव फॉर द स्टेट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव गिवन इन द प्रेम्बल जो प्रेम्बल में दिए गए हैं उनको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू सो so, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पार्ट फोर्थ में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि ड्यूटी स्टेट की ड्यूटी कास्ट करते हैं कि वो हर तरह से वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करे सिक्योर प्रोटेक्ट करे सोशल ऑर्डर को जिसमें जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हो और सब उसमें जो नेशनल लाइफ के इंस्टीट्यूट हैं वो शामिल हों उसमें वो चीज शामिल हो क्या चीज शामिल हो जस्टिस शामिल हो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल के हम डेफिनेशन देखते हैं कि इट मीनस ऑल द पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को बराबरी के जो मौके हैं वो दिए जाए अपॉर्चुनिटी दी जाए सभी प्रकार की जो इनिटी है सोशल लाइन में उनको अबॉलिश किया जाए इन इकोनॉमिक बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको एम्प्लॉयमेंट की वेजिस की दी जाए पॉलिटिकल जस्टिस की हर नागरिक को वोट देने का अधिकार हो इलेक्शन में खड़े रहने का अधिकार हो इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो और अपनी मनपसंद के कैंडिडेट चुनने का अधिकार हो तो ये जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल बात करता है उसके बाद जो आर्टिकल थर्टी एट क्लॉस टू है आर्टिकल 38 एट क्लास टू इंसर्ट की गई थी फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्लॉज टू कहती है कि द स्टेट शेल इन परटिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज इन इक्वालिटी इन इनकम इनकम में इनक्वैलिटी को कम करेगा करेगाट इन इक्वालिटी इन स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी में जो इन इक्वाली है उनको खत्म करेगा एलिमिनेट करेगा ये इंडिविजुअल के केस में नहीं हर तरह के जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो डिफरेंट एरिया में देश के रह रहे हैं और जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन में अपना काम कर रहे हैं उन सबके लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है उनको क्रिएट करेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी की इन इक्वेलिटी है उसको एलिमिनेट करेगा तो ये स्टेट इज बाउंड बाय दिस प्रिंसिपल आर्टिकल 38 एट क्लॉज टू कहती है तो क्लॉज टू में हमने देख लिया कि मिनिमाइज इन इक्वलिटी इनकम इलेमिनेट इन इक्वलिटी इन स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी और ये किसके बीच होगा इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि डिफरेंट एरिया में कंट्री के रह रहे हैं और अपना डिफरेंट जो वर्क okay, है वो कर रहे हैं डिफरेंट ऑक्यूपेशन है उनके पास तो सब में ये कोशिश करेगी प्रमोट करेगी वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करेगी तो ये हमारा था जो आर्टिकल थर्टी एट एंड थर्टी था आर्टिकल थर्टी एट था सोशल ऑर्डर की बात करता है सो so, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग